बसमिल डे स्टूडेंट्स अगर हमने ए सी वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यूजली वी यूज़ दिस मल्टीमीटर ये हमें ए सी वोल्टेज की वैल्यू बता देता है लेकिन ए सी वोल्टेज इस साइन वेव की तरह होती है अगर हम इस ए सी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहें वी कैनॉट डू दैट यूजिंग दिस मल्टीमीटर इसके लिए हमें एक और डिवाइस की जरूरत पड़ेगी दैट वी कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लास्ट वीडियो में भी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था ये जो रियल टाइम हार्ट रेट फंक्शन सिग्नल होता है इसको भी प्लॉट किया जाता है यूजिंग द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से सीखा था कि ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और सी से पहले हमने ये कुछ Uh, इसके टॉपिक्स पढ़े थे इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स थर्मोनिक मिशन और सी आर टी अब इसके बाद आगे हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और सी आर के बारे में इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे इस चार्ज ट्यूब सी आर टी को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है अब उसको देखते हैं जरा अब ये अगेन सी आर टी की अरेंजमेंट है जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की कि एक सी आर टी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं कैथोड के सफेद से एनोड के परफोरेटेड होल में से पास हो रहे हैं और उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जाकर हमें एक बीम की सूरत नजर आ रहे हैं अब इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रास्ते में अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दें तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप जैसे ही करते हैं तो आप देखिए जो डिफ्लेक्शन है वो क्लियरली शो हो रही है फ्लोरसेंट स्किन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बीम की यानी इलेक्ट्रॉन्स अब अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हमने इलेक्ट्रो के चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो एट नाइन्टी डिग्रीज टू तो वो मैगनेटिक फील्ड तो उस, उस पर एक फोर्स लगती है तो यहाँ पर आप रूल लगाकर राइट हैंड रूल लगा कर आप फोर्स की डायरेक्शन भी डिटर्मिन कर सकते हैं और अगर हम पोलैरिटी चेंज करते हैं मैग्नेट की तो आप देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे इसका मतलब है इन इलेक्ट्रिक फील्ड अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दू रास्ते में तब भी इलेक्ट्रॉन्स की बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी भी चेंज कर दी जाए तो अगेन वुड सी द बीम डिफ्लेक्टिंग इन सो दैट मीन्स इफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रैवलिंग

अब उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जरा दोबारा देखते हैं अभी एक सी की ब्लॉक डायग्राम आपके सामने जैसे हमने सीआर की ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम डायग्राम देखी थी उस तरह CRO की है अब देखिए हार्ट ऑफ द डाय सी दिस टी ये सीआरटी मेन फंक्शन अदा करता है सीआरओ की वर्किंग में भी लेकिन इसके अलावा भी सीआरओ के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले जो आप इनपुट सिग्नल देते हैं याद रखिए सीआरओ का काम क्या है सीआरओ आपको वोल्ट मीटर की तरह वोल्टेज को डिस्प्ले करके दे, दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करके दे सकता है फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं और भी इसके अलावा इसके फंक्शन आप थोड़ी देर बाद देखते हैं तो सबसे पहले जो इनपुट आप देंगे वो इनपुट सिग्नल यूजली वीक होता है वो वीक सिग्नल आपको ग्राफ की सूरत में स्क्रीन के ऊपर

ट्रिगर करता है हॉरिजॉन्टल अह डिफ्लेक्शन की तरफ जाने वाले वोल्टेज सिग्नल को और फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर यानी टाइम के एक्सिस के ऊपर अब इसकी वर्किंग देखिए इस एनिमेशन में और दिस इज अ टिपिकल CRO वर्किंग फॉर यू यहां पर देखिए स्टार्ट में इसका एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसको हम पहले सी आर टी वहां से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन जनरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद सिस्टम है एक एक्सेलरेट किया जाता है उन इलेक्ट्रॉन्स को दे पास थ्रू दैथोर्ड दे आर एक्सेड एंड देन इलेक्ट्रॉन्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पास थ्रू टू सेट ऑफ प्लेट्स एक वर्टिकल प्लेट्स है और एक हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ प्लेट्स है

तो सीआरओ एग्जैक्टली डूइंग दैट ये जो इसकी स्क्रीन है इसके ऊपर एम्पलीफाई करके उसी इनपुट सिग्नल को हमें एक ग्राफ की सूरत में दिखा रही है अब हम मयर कर सकते हैं इसका मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज और हॉरिजेंटल एक्सेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट 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 टाइम टाइम वन वेव टेक्स इसको हम पीरियड बोलते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इनपुट सिग्नल को हम देखिए चेंज करते दे इनपुट सिग्नल जैसे ही चेंज होता है तो आउटपुट सिग्नल जो सी आर ओ के ऊपर आ रहा है वो भी चेंज हो रहा है इसका मतलब है जैसा इनपुट सिग्नल होगा उसी के मुताबिक हमें आउटपुट सिग्नल स्क्रीन के ऊपर सी आर ओ दे देगी अब ये सी आर ओ हमें हमारे इनपुट सिग्नल को रीड करने में मदद मतलब दे रही है बाय ड्राइंग काइंड ऑफ अ ग्राफ ऑन द स्क्रीन वी कैन रीड फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पावर

voltage, current and power signals, but also viewing the sound signals and also engineers use these CROs in their labs to actually test their circuits. Whenever they design a new circuit they test that using the CRO. Now how does CRO graph draw a graph and how do we read it? in the next video how we read a See you in the next video. Inchallu.